आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चुनावी बिगुल बजते ही राजनीतिक गलियारों में पारा पूरे उफान पर, साथ ही पहले चरण के मतदान को लेकर सभी घटक दलों द्वारा अपनी रणनीतियों के तहत अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करनी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में डुमराव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के सिटिंग जदयू विधायक ददन पहलवान को पार्टी द्वारा नजरअंदाज करते हुए पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष अंजुम आरा को इस सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है, जिससे नाराज जदयू विधायक ददन पहलवान आज डुमराव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल कर हुंकार भरेंगे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि गहरी साजिश के तहत पार्टी द्वारा मेरा टिकट काटा गया है और इसमें डुमराव के कुछ लोग भी इस प्रयास में लगे हैं कि मेरा राजनीतिक करियर खत्म कर दिया जाए, मगर इस बार यहाँ की जनता अपना आशीर्वाद देकर मुझे चुनाव जरूर जिताएगी। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जनता तत्पर है, जनता हमारा चुनाव लड़ा रही है। आज से नहीं, जनता के बल पर हम राजनीति करते हैं। हमारा जो आप लड़े थे पहले भी, तो डुमराव की क्षमता अभी कल हम आ रहे थे शाम में, तो आपका सोनबरसा से लेकर हर जगह रोड पर बूढ़े पुराने लोग थे। पूरे बूढ़े पुराने लोग, हर जाति बिरादरी के लोग दुखी था कि ददन यादव के साथ ही बहुत भारी अन्याय किए हैं। इसलिए यदि यही काम करना था तो इनको पहले एक महीना पहले बता देना चाहिए था, मगर अंतिम में समझिए कि जिस दिन नॉमिनेशन करना है उस दिन ही लोग ऐसा काम किया है, इससे बिहार की जनता बहुत दुखी थी। अच्छा, आप तो टिकट को लेकर बड़े अस्वस्थ थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका टिकट कटा? देखिए, टिकट कटने के पीछे वो लोग के साजिश थे, या डुमराव के जो हमारी राजनीति है, डुमराव का राजनीति में जो डुमराव को हम छाप रखे पूरे देश बिहार में कि राजनीति में एक ऐसा भी विधायक है, तो इसको हमारी राजनीति को मिटाकर ये अपना लोक सिद्ध करना चाहते हैं कि ददन यादव अपनी राजनीति में समाप्त तो हो जाएंगे तो हम लोग डुमराव से फ्री राजनीति करेंगे। तो इस पर बहुत बड़े गंभीर साजिश है और साजिश के तहत जो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है जनता सब जान रही है। अच्छा, जीत को लेकर के कितने आश्वस्त दिख रहे हैं? अब देखिए, जीत तो हमारा है ही, इसलिए कि जो कैंडिडेट दिए हैं मुसलमान के, हमारे यहाँ 10,000 वोट है मात्र, तो 10,000 में 60% वोट होगा, उसमें 50% हमारा ही भी रहेगा, इसलिए कि हम भी मुसलमान लोग को प्यार दुलार समान दिए हैं। आज इतना जाति बिरादरी के लोग हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। एक आपका जो महागठबंधन का कैंडिडेट है वो बाहर के रहने वाले कैंडिडेट है, तो बाहर के रहने वाले कैंडिडेट है, ये भी बाहर के रहने वाले कैंडिडेट है, तो दो कैंडिडेट के बीच हमारी लड़ाई है, तो लड़ाई में कोई दम नहीं है। हम को अंजाद है कि हम अच्छा वोट से जीतेंगे। थैंक यू।